सर मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है गार्डनिंग की, अभी नए नए शौक चढ़ा है। लास्ट 2 मंथ से मैं यूट्यूब पर ही काफ़ी वीडियोस देख रहा था, काफ़ी नर्सरीज का भी देखा, काफ़ी पौधों का भी देखा। तो सबसे बेस्ट नर्सरी मुझे दिल्ली में लगी है फिलहाल यही लगी है, शाइनिंग नर्सरी, जिनके प्राइस सही हैं। और सबसे बड़ी बात करने का तरीका, बात बहुत प्यार से करते हैं, समझाते हैं कि नहीं हो तो क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। हेलो, आई एम अदिति मुद्गल एंड मेरा ये काफ़ी फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी भी नर्सरी में, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। स्टार्ट काफ़ी अच्छा हुआ है एंड प्लांट्स हमने काफ़ी वैरायटी के लिए हैं, तो उससे पता चल ही गया होगा कितना अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिश्यू ग्रीन प्लैनेट। तो दोस्तों, आज फिर एक नर्सरी की बारी आई है, इसका नाम है सैनी प्लांट होम। ये दिल्ली के बीचों बीच कनॉट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के पास में एक जैन मंदिर है, वहां पर पड़ती है। लोकेशन बहुत ही इजी है, मुझे काफ़ी बंदों ने इसकी रेफरेंस दी थी कि एक बार मुझे ये कवर करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, कवर करते हैं सैनी प्लांट होम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेडिसिनल प्लांट से। तो सबसे अच्छी जो मेरा जो फेवरेट पौधा है कि अजवाइन, इसको इंडियन बोराज भी बोलते हैं। इसका रेट है 40 रुपीज़ अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो। एंड एक नेक्स्ट है ओरिगेनो, हालांकि इसकी ग्रोथ अभी इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे इसका रेट है 40 रुपीज़। नेक्स्ट है अश्वगंधा, 40 रुपये। तेज पत्ता का प्लांट है 100 रुपीज़। आइए दोस्तों, दिन नेक्स्ट देखते हैं गरम मसाला। गरम मसाले का प्लांट है 150 रुपीज़। नेक्स्ट है चंदन, चंदन का जो पौधा है वो है 150 रुपीज़ का। और इसके बाद हम कवर करते हैं ब्लैक पेपर, 150 रुपीज़। काली मिर्च का जो पौधा है 150 रुपीज़ का है। एंड दोस्तों, ये है दालचीनी, दालचीनी का पौधा है 150 रुपये का। हल्दी ऑर्गेनिक है, 80 रुपीज़ इसका रेट है। एंड ऑर्गेनिक जिंजर 60 रुपीज़। सो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हर जगह पे आपको रेट बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। और नेक्स्ट है हर्बल मिशक्वा, 100 रुपीज़। इलायची का पौधा है 80 रुपीज़। और ये नेक्स्ट है हींग, 100 रुपीज़। और एक बीच में है स्तावरी करके, 100 रुपीज़ का। पान का पौधा है 100 रुपीज़ का। बनाना का रेट है यहाँ पे 40 रुपीज़, बनाना का पौधा ही है 40 रुपीज़। मैंगो का रेट है 150 रुपीज़ का। यह है आईवी गॉड, कुंदरू बोलते हैं जिसे, 150 रुपीज़। मलबेरी है 150 रुपीज़ ईच। सो दोस्तों, यह है कचनार, 80 रुपये पौधा है। सो दोस्तों, एक देखने में आ रहा है आमरा, यह है अचार की वैरायटी है, 150 रुपीज़ का। तो थोड़ा सा यूनिक एंड डिफरेंट प्लांट है ये भी। परिजात के पौधे का रेट है यहाँ पे 30 रुपीज़। सो दोस्तों, नेक्स्ट है बेल पत्थर, इसका रेट है यहाँ पे 60 रुपीज़। तो पत्थरी या स्टोन्स में आप इसे खा सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे शमी का पौधा है, ये है 60 रुपीज़। बहुत डिमांड है आजकल शमी के पौधे की। एलोवेरा है 40 रुपीज़। सो बहुत ही अच्छे प्लांट में से एक है इंसुलिन प्लांट, जो आप डायबिटीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका रेट है 350 रुपीज़। थोड़ा सा पौधा थोड़ा सा महंगा है ज़रूर, लेकिन इसकी खूबियाँ बहुत हैं, फ़ायदे काफ़ी हैं इसके। तो 350 रुपये में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होगी। एंड अच्छी बात इसकी ये है कि ये मल्टीप्लाई भी इजीली हो सकता है, तो आप एक बंदा ज़रूर है एक पौधा लेके जाना। सो दोस्तों, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपने इतनी तुलसी की ऑप्शंस वैरायटी कहीं नहीं देखी होंगी। सो सबसे पहले है विक्स तुलसी, 40 रुपये। नेक्स्ट है कपूर तुलसी, 40 रुपये। फिर है विमला तुलसी, 40 रुपये। रेट रीजनेबल है एंड एक्सेप्शनल प्लांट्स बोल सकते हैं इनको, तुलसियों को। एंड फिर है रेड तुलसी, इसका रेट भी यहाँ पे 40 रुपये है।
फिर बारी आती है सिनेमन तुलसी की, इसका रेट भी यहाँ पे 40 रुपये है। मरुआ तुलसी, इसका रेट भी 40 रुपीज़ है। नेक्स्ट है लौंग तुलसी, 40 रुपये। ये तुलसी पॉली बैग्स में लिखा लगा हुआ, आई थिंक ये नॉर्मल तुलसी जो हर घर में मिल जाती है, राम और श्याम तुलसी है अलग अलग, तो ये है 100 रुपीज़ ईच, सॉरी 10 रुपीज़ ईच। नेक्स्ट है लेमन तुलसी, 40 रुपये, नींबू वाली तुलसी 40 रुपीज़। जरबेरा 100 रुपीज़। काफ़ी लोगों की डिमांड आती है कि सीडलेस नींबू चाहिए, तो उनका रेट है यहाँ पर 230 रुपीज़। और काफ़ी में तो नींबू ऑलरेडी आ भी रखे हैं, बहुत ही लाइट वेटेड है ये वाले। ये नींबू है, ये हमारा खुद का अपना लोकल का ही बनाया हुआ है। आपने देखिए फ्रूटिंग आ रखी है, मैंने एक टहनी तोड़ के आपको दिखाया है, ये हम अपना ही बनाते हैं बाजार से परचेज करके। आपको ट्री देखिए कितना बड़ा दिख रहा है आपको ऊपर, ये ऑलमोस्ट सारा ही हमारा ग्राफ्टिंग किया हुआ है और ये दिल्ली के लोकल वेदर का ही बना हुआ है और हम इसको स्पेशली अपने लिए ही बनाते हैं और हम बाजार से परचेज नहीं करते। क्या आपके सामने फ्रूटिंग दिखा रहे हैं, सारा ये हाइब्रिड है, 12 मासी नींबू है, साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग करते हैं। नाशपाती है 150 रुपीज़। ये पीच जिसे आड़ू बोलते हैं, इसका रेट है 150 रुपीज़। कटहल 200 रुपये। यह है शरबती पीच आड़ू जिसे बोलते हैं, 150 रुपीज़। पपाया यहाँ पर है 50 रुपये का। करी पत्ता करी लीव्स है 20 रुपये। कोलियस है 20 रुपये। काफ़ी लोगों की डिमांड है कि फूलों वाले पौधे जिसमें खुशबू आती हो, सो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है हाइब्रिड जिसको मोतिया बोलते हैं, इसका रेट है यहाँ पर 60 रुपीज़। फिर आती है बात चांदनी पौधा, इसमें भी फूल आते हैं वाइट कलर के छोटे छोटे फूल, इसका रेट यहाँ पे 70 रुपीज़ है और इसमें भी अच्छी खासी खुशबू होती है। ये मनी प्लांट देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स है, ये देखिए, ये यहाँ पर रेट है इसका 200-250 रुपीज़, डिपेंड करता है साइज़ पर और उसकी क्वालिटी पर, तो 200 या 250 रुपीज़ का आपको ईज़िली मिल जाएगा। 350। ये सफलेरा है, इसका रेट अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 रुपये इसका होगा। ये सफलेरा बोनजाई है, ये भी 250 रुपीज़ है ईच। बोनजाई की इसकी लुक है यहाँ पे, आप अगर देखते हैं तो इसमें ये 250 रुपीज़ है सफलेरा। ये है ड्राई चीना चॉकलेट 100 रुपीज़। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन ही है, इसलिए इसका नाम ड्राई चीना चॉकलेट है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है एग्लोनीमा 120 रुपीज़। रेट मुझे ये वाला एग्लोनीमा का रेट यहाँ पर ठीक लगा, रीजनेबल रेट है। नेक्स्ट है एग्लोनीमा डव 70 रुपीज़। या आगे कहीं पे आगे दिख रहे हैं 60 रुपीज़ का भी दिख रहा है मुझे एक। नेक्स्ट वाला जो पौधा है ये वाला, अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ तो ये है विक्टोरिया करके, इसका रेट है 80 रुपीज़। नेक्स्ट है टाइगर एग्लोनीमा। टाइगर इसका इसलिए क्योंकि इसके आप देखते हो यहाँ पे इसके जो स्ट्रैप्स जो लगे हुए हैं वो थोड़ा सा टाइगर वाली लुक आ रही है, इसका रेट है यहाँ पे 140 रुपीज़। इंडोर प्लांट है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट है मार्बल मनी प्लांट 60 रुपीज़। इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी है, डिफरेंट है, तो इसका रेट है यहाँ पे 60 रुपीज़। छोटे पौधों में लगा हुआ, छोटे प्लांट सॉरी प्लांटर्स में लगा हुआ ये। नेक्स्ट है स्पाइडर प्लांट 30 रुपये का। पिंक सिंगोनियम 50 रुपये। नॉर्मल सिंगोनियम 50 रुपीज़। अगर आपके घर पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है तो फॉक्सटेल फर्न्स की वैरायटी, डिफरेंट वैरायटीज आप लगा सकते हैं, 50 रुपये का ये वाला पौधा है। तो दोस्तों गोल्डन फर्न है एंड देन ये फर्न, इनका गोल्डन फर्न का रेट लिखा नहीं हो लेकिन फर्न का 60 है, तो इसका भी अराउंड 60-70 ही होगा, जिससे ज़्यादा नहीं होगा, रीजनेबल रेट है। ओके डिफरेंट बेचिया 150 रुपीज़ ईच। ग्रोथ अच्छी है काफ़ी प्लांट्स की।
सो दोस्तों चाइना पाम 150 रुपीज ईच, कॉम्पैक्ट प्लांट है ये 90 रुपीज है, फाइकस लराटा 60 रुपीज। दोस्तों मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस नर्सरी की ये लगी कि इन्होंने जो नेम टैग्स लगा रखे हैं उससे लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है सबकी, लेने वालों की और देने वाले दोनों की, तो इजी हो जाता है। सो दोस्तों नेक्स्ट है ऑक्सीकार्डियम गोल्डन है ये 80 रुपीज़ है, देन अगेन दो नॉर्मल ऑक्सीकार्डियम है वो 80 रुपीज़ है, एंड दोस्तों ये है अर्थ स्टार छोटे छोटे पॉट्स में लगा हुआ 50 रुपीज़ ईच। अरीका पाम है ये बिग साइज़ में है 200 रुपये। दोस्तों बहुत ही अच्छा रेट है, रीज़नेबल रेट है, इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं, पॉट्स ही काफ़ी, मतलब आई थिंक 10-12 इंच के तो पॉट्स ही हैं, तो 200 रुपीज़ में बिल्कुल सही है रेट इसका। ब्राज़ीलियन सेंसिविरिया स्नेक प्लांट्स की जो एक अलग वेराइटी है वो है 90 रुपीज़ ईच। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ रेट बिल्कुल सही है। एग्लोनीमा 50 रुपीज़ छोटे प्लांट्स में है, बेहद मुश्किल प्रोनाउंसिएशन है इसकी, फिलोडेंड्रन करके है इसका नाम, एंड इसका रेट है 90 रुपीज़। ब्लैक जैक अगेन थोड़ा स्नेक प्लांट वाली लुक है इसके अंदर, 100 रुपीज़ ईच। अमेरिकन विंच 50 रुपीज़, थोड़ा सा मुझे मनी प्लांट लुक इसकी आ रही है। नेक्स्ट है गोल्डन पोथोस 50 रुपीस, ड्राई चीना 60 रुपीस, सॉन्ग ऑफ इंडिया 90 रुपीस, बटरफ्लाई पाम है 150 रुपीस, एग्लोनीमा लिपस्टिक 250 रुपीस। बेहद खूबसूरत पौधों में से एक जिसकी पत्तियां देखते ही बनती हैं। नेक्स्ट है एग्लोनीमा पिंक 250 रुपीस ईच। वन ऑफ माई फेवरेट मिनीचर ZZ प्लांट जैनजीबार जैम भी बोलते हैं इसे, डिफरेंट नेम्स हैं, एंड दोस्तों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट जो ऑक्सीजन को काफ़ी मात्रा में हमें देते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट इंडोर प्लांट्स में से एक है ये। ये है अपराजिता जो ब्लू कलर के फूल हैं इसके, 30 रुपये का रेट है। विनका दोस्तों सदाबहार का पौधा है, थोड़ा सा बड़े पॉट में है 100 रुपीज़ का है, जो थोड़े छोटे पॉट्स में है वो है 50 रुपीज़ का। यह है अरेलिया 70 रुपीज़, इसमें भी फूल आते हैं दोस्तों, एंड नेक्स्ट है मुसंडा 140 रुपीज़ ईच। नेक्स्ट है दुरंटा 80 रुपीज़, फाइकस छोटे से बोनजाई लुक में दिख रहा है मुझे ये जो वाइट वाला जो दूसरी वैरायटी है, ये है 200 रुपीज़ ईच। जिनको थोड़ा बेल वाले पौधे पसंद है उनके लिए ये अल्मोंडा 200 रुपीज़, इसमें येलो फ्लावर्स आएंगे। सो दोस्तों गुड़ल की जो हिबिस्कस जिसे बोलते हैं, इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और काफ़ी अच्छे से कलर्स हैं, तो आपको अगर ग्राफ्टिंग करनी है मिक्स करना है तो ऐसे कलर्स ले जाते हैं, 100 रुपीज़ ईच है यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो, और काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी लग रही है मुझे प्लांट्स की। सो दोस्तों नेक्स्ट है कृष्ण कमल 220 रुपीज़ ईच। राखी की बेल है ये दोस्तों, 220 रुपये की है 220 रुपीज़। स्वीट पोटैटो 40 रुपये ईच 40 रुपीज़। खुफिया नहीं दोस्तों, कुफिया 30 रुपीज़। सो दोस्तों नेक्स्ट है थूजा प्लांट जिसे मोर पंख बोलते हैं, ये है 70 रुपीज़ ईच। अल्मोंडा की बेल 70 रुपीज़ ईच है। सो दोस्तों काफ़ी लोगों की डिमांड है कल्प वृक्ष के पेड़ के लिए, पौधा जो इसे बोलते हैं, ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं 250 रुपीज़ हैं, और दोस्तों ये वाला जो है ये 550 रुपये का। इसे बोलते हैं कि ये समुद्र मंथन के टाइम पे निकला था, घर में इसे रखना बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर आप देखते हैं तो इसकी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है, प्लांट काफ़ी हेल्दी है, तो 550 रुपये का ये आपको पौधा मिल जाएगा। ये दोस्तों मिर्ची का पौधा चिली, ग्रीन चिली, तो ये 20 रुपये। भिंडी 20 रुपये, हालांकि अब भिंडी लगाने का सीज़न थोड़ा चला गया है, पर ये आपको 20 रुपये का यहाँ पर पौधा है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है आगरा देसी गुलाब 20 रुपये 20 रुपीज़ ईच।
कश्मीरी करी लीव्स, कश्मीर से आई हुई कड़ी पत्ता, इसका रेट है यहाँ पे 100 रुपीस। एंड दोस्तों नेक्स्ट है गंधराज का जो फ्लावर है, फूल है, ये है 100 रुपये का। एंड हिमेलिया फायर बुश 80 रुपीस। नेक्स्ट है एग्जोरा 100 रुपीज़ ईच। सो दोस्तों डिफरेंट वैराइटीज़ हैं ये सकुलेंट्स की। फर्स्ट वन इज़ डेविल्स बैकबोन 40 रुपीज़ ईच, ये इसका नाम लिखा नहीं हुआ, ये भी 40 रुपीज़ है। ये देखिए सब, और अगेन ये नेक्स्ट है डेविल बैकबोन 40 रुपीज़, मल्टीप्लाई ईजिली हो सकते हैं ये। वेरीगेटेड पेपरोमिया 40 रुपीज़। बमी ईयर कैक्टस 120 रुपीज़ ईच। ऐसा लग रहा है कि दुबई की बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं ये। नेक्स्ट है हेवोर्थिया 200 रुपये, ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है, बहुत ही अच्छी लगती है। सो दोस्तों अभी क्योंकि थोड़ी गर्मियों मौसम चल रहा है तो सकुलेंट्स इतने बचाना मुश्किल हो जाता है, तो वैरायटीज़ अभी थोड़ी सी कम है, लेकिन जैसे ही अभी ये अगस्त सितंबर शुरू हो जाएगा उसके बाद में आपको बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे मिल जाएंगी, क्योंकि जो ये सैनी प्लांट होम है ये सकुलेंट्स के लिए जाना जाता है, लोग दूर दूर से यहीं पर इस चीज़ के लिए ही आते हैं। तो आप अगर सितंबर में आते हैं तो आपको सितंबर अक्टूबर में आपको यहाँ पर खूब वैरायटीज़ मिल जाएंगी सकुलेंट्स की। 200 ओके, सो दोस्तों 200 वैरायटीज़ आपको अलग अलग सकुलेंट्स की मिल जाएंगी। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ है फाइकस के बोंजाइस की, और यहाँ पे हरिओम भैया जी हैं, ये काफ़ी देर से लगे हुए हैं इनकी मिट्टी तैयार करने में। हम सब लोगों को ये परेशानी होती है कि मिट्टी क्या कौन सी बनाई बोंजाइस में जो थोड़ी सी चल जाए, तो पूछते हैं हरिओम जी से, भैया आप इसमें कौन सा मिट्टी का मिक्सचर रखते हो उसके अंदर? इसके अंदर में काउडंग और थोड़ा वर्मी, और इसमें थोड़ा सा डालते हैं हम सिंडर। अच्छा, काउडंग, वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो खाद वो केंचू वाली, और सिंडर, ठीक है। ये इनके जो बोंजाई हैं, हाँ हाँ, इनको रूट्स और उसके लिए मेंटेनेंस करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो उससे ये होता होगा कि एक तो ये पानी रुकता नहीं होगा, पानी जमा नहीं होता होगा, वो आराम से पानी नीचे निकल जाता होगा, गीली मिट्टी नहीं रहती होगी। ओके, और इसी के साथ में इसमें हम आपका नीम खली का थोड़ा डाल लेते हैं। अच्छा, नीम खली डालते हैं जिससे फंगस वगैरह या फिर कोई बीमारी जो पौधों में लगती है वो ना नहीं लगती होगी। खाद हो गया नीम खली का कि कीड़ा भी नहीं लगता, और दूसरी बात है प्लांट भी ग्रो रहता है। अच्छा, प्लांट में भी ग्रो रहता है, ठीक है ठीक है। ये 3-4 आइटम इसके अंदर मिला के रखना चाहिए ताकि प्लांट ऐसा रहने की मिट्टी एकदम हार्ड ना हो। ओके ठीक है, मतलब जिसको दोस्तों हम वेल ड्रेन्ड सॉइल बोलते हैं, ये वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाते हैं जिसके अंदर पानी रुकता नहीं है, पानी डाला और पानी एकदम से जो होल जो बनाते हैं पॉट में उसके थ्रू नीचे निकल जाता है। तो यहाँ पे कुछ रेट्स हैं, यहाँ पे ये 450 रुपीज़, 450, यहाँ पे छोटे बोंजाइज हैं ये फाइकस वाले 350, 350, यहाँ पे है 850 रुपीज़, ये भी 850 रुपीज़ है। सो दोस्तों मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो यहाँ पे जो स्टेम्स हैं इनकी, जो मेन ब्रांचेज हैं या फिर जो थिकनेस है उसकी बहुत ही सुंदर है, एंड मेरे हिसाब से रेट रीज़नेबल हैं। मैं मतलब आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मुझे बताइए कि रेट आपको रीज़नेबल लग रहे हैं या फिर क्या है, कोई कमी है, कोई ज़्यादा है। तो सो ये 1000 रुपीज़ का, आप इसकी थिकनेस देखिए इस फाइकस बोंजाई की, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही देखने में यूनिक लग रहा है। सो दोस्तों इस बोंजाई का नाम है फाइकस माइक्रोकार्पा, एंड जो ये टार्जन है ये मतलब एक फाउंटेन है, फाउंटेन में से नहा रहा है, ऊपर से पानी गिर रहा है झरने में से, तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो बनाया हुआ है ये। अच्छा दोस्तों, तो इसमें मुझे हरिओम भैया ने बताया कि इसमें फ्लावरिंग भी आती है। कौन से कलर के फ्लावर आते हैं भैया इसमें? व्हाइट कलर का, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सो ये फाइकस की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तकरीबन 10-12 साल पुराने होंगे, और इनका रेट है 5600 रुपये। सो दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि नर्सरी में पौधे चलते हैं लेकिन घर जाते ही मर जाते हैं, तो मेरी अभी भैया से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमें जो ये फर्टिलाइजर्स हैं इनका अच्छे से यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उनको थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटीज़ में हमें मतलब रेगुलर बेसिस पे डालते रहना चाहिए। सो आइए दोस्तों ये कवर करते हैं कि क्या किसका क्या रेट है। फर्स्ट है दोस्तों नीम खली,
ये है एक किलो की पैकिंग है 60 रुपीज़। एंड NPK इसकी जो रेशियो है 19:19:19 है, ये भी 1 kg है, इसका रेट है 150 रुपीज़ ईच। सिंडर दोस्तों, मैंने एक सिंडर पे वीडियो पहले कवर करी हुई है, लेकिन यहाँ पे जिसका रेट है, सिंडर का रेट है 60 रुपीज़। अच्छी बात ये है कि ये वॉस्ट है 1 kg, ये 1 kg है, इसका रेट है यहाँ पे 60 रुपीज़। तो नेक्स्ट दोस्तों कप पर लाइट, आपको सक्कुलेंट्स में, कैक्टस में, कुछ ऐसे पौधे जिनको वेल ड्रेन सॉइल्स पसंद होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है परलाइट का। एंड एक होता है वर्मीकोलाइट, ये वर्मीकोलाइट है, इसका रेट भी यहाँ पे 50 रुपीज़ है। वर्मीकोलाइट एंड जो परलाइट है बहुत ही लाइट होती हैं और आपके पौधे को वेल ड्रेन बनाती हैं, इसका रेट है 50 रुपीज़। बोन मील, सो दोस्तों हड्डियों का जो उसके चूरे से बनता है ये, इसका रेट है यहाँ पे 50 रुपीज़। कैस्टर केक 60 रुपीज़, ये कैस्टर केक करके कुछ है, ये इसका रेट है 60 रुपीज़। एप्सम सॉल्ट 80 रुपीज़ किलो दोस्तों, ये अगेन एज अ फर्टिलाइज़र आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम आपको बनाना से भी मिलता है, जो बनाना आप वाटर पौधों में डालते हैं, अदरवाइज आपको ये पोटेशियम आपका यूज़ करना, जिन फूलों वाले पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, तो पोटेशियम का इस्तेमाल करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसमें आप हल्के से 10-12 दाने DAP के भी डाल सकते हैं। एंड दोस्तों नेक्स्ट है पिथ मॉस 50 रुपीज़। सो नेक्स्ट है सरसों खली 50 रुपये। एंड सकुलेंट सॉइल दोस्तों बहुत ही डिमांड में है, सकुलेंट सॉइल, सकुलेंट के लिए जो पौधे हैं आपके, सकुलेंट पौधे मर जाते हैं उसके लिए ये पौधे, ये वाली जो सॉइल है यहाँ पे है 90 रुपीज़। काव डंक मैन्योर, जो गोबर वाली खाद है, यहाँ पर है 80 रुपीज़, ये 5 किलो है 80 रुपीज़ की। तो दोस्तों नीम ऑयल है 100 रुपीज़ का, नीम ऑयल 100 रुपीज़। एंड दोस्तों सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर्स होता है ये इसका रेट है यहाँ पर 120 रुपीज़, बायोविटा का कंपनी का है, 120 रुपीज़। सो दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, मिली बग्स वगैरह लगाती है कोई, किसी में एंट्स आ जाती हैं, तो ये एक ये लिक्विड दवाई है नागराज करके, ये इसका रेट है यहाँ पर, एक मिनट मैं देखूँ, इसका रेट है यहाँ पर 100 रुपीज़, नागराज ये ब्रांड है। ये दोस्तों टूल है, ये अगर आप देखते हैं तो ये खुरपी टाइप में है, इसका रेट है यहाँ पे 70 रुपीज़। सो दोस्तों 5-in-1 खुरपी वगैरह इसमें सब आपको मिल जाएगा, इसका रेट है यहाँ पे 190 रुपीज़। सो दोस्तों 10 लीटर की गैलन है, इसका रेट है 290 रुपीज़। ये सब देखिए 70 रुपीज़ की है खुरपी वगैरह। सो दोस्तों DAP है 40 रुपीज़ 1/2 kg। एंड बेवेस्टीन करके फंगीसाइड है, जब आप नया पौधा रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं तो इसका रेट वैसे तो 174 लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग 80 रुपीज़ है दोस्तों इसका रेट। एंड एंट पाउडर दोस्तों, सबको इस टाइम पे जो ये रेनी सीजन है इस टाइम पे प्रॉब्लम होती है, चींटियाँ बहुत लग जाती है पौधों में, तो यहाँ पे एंट पाउडर है, ये 60 रुपीज़ का है, 1 kg होगा शायद ये भी। कैल्शियम नाइट्रेट करके है ये भी आपका पौधों में कैल्शियम देता है, इसका रेट है 50 रुपये। सो दोस्तों कोकोपीट है यहाँ पर 5 किलो 180 रुपीज़ की। एंड छोटी वाली जो कोकोपीट है ये 1 kg है, ये 60 रुपीज़ की है। तो दोस्तों कोकोपीट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जिनको नहीं पता इस्तेमाल करने का, अगर आप ये 5 किलो का आप इसको बनाते हैं, इसको पानी में भिगो कर रखते हैं, तो दोस्तों आपके कम से कम 3-4 बड़े बड़े जो कट्ठे होते हैं उनमें भर जाएगा। तो कोशिश कीजिए आपके ऐसे छोटे, अगर कम प्लांट्स हैं तो 1-2 किलो लेके जाइए, अगर 5 किलो लेके जाएंगे तो आपको रखने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। 5 किलो लेके जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कट करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम से इसे पूरा मत भिगो देना, अदरवाइज आपके आपको रखने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कितने, ये है मोस्टिक से दोस्तों, ये है 2.5 फीट है 50 रुपये की, और ये वाली 3 फीट 60 रुपये की, 4 फीट है ये 80 रुपीज़ की, अच्छा ये 4 फीट है, ये है 80 रुपीज़ की। सो ये डक के सिरेमिक पॉट्स हैं,
अगर सिंगल आप लेते हैं तो ये देखिए ये 400 रुपीज़ है, एंड दो लेंगे तो ऑब्वियस ज़्यादा 800 रुपये है। और बाकी सेरामिक पॉट्स में भी यहाँ पे आप देखते हैं तो काफ़ी ऑप्शंस हैं, वैरायटीज़ हैं इनके पास में। काफ़ी बार मुझे इसकी डिमांड आई है कि ये वाले जो पौधे हैं जिसमें हम तुलसी वगैरह लगाते हैं, ये कहाँ पे मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। सो दोस्तों इसका रेट है 250 रुपीज़। ऑनलाइन साइट्स पे ये 450 रुपये का आपको मिलेगा। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि यहीं पे आ जाइए, 250 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आप बाकी पौधे भी ले सकते हैं, और बाकी सेरेमिक पॉट्स तो इनके कलेक्शन की बेस्ट है ही। एंड गाइज़ ये प्लास्टिक पॉट्स की भी बहुत अच्छी कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है, आप देखिए। तो छोटी ट्रे 250 की, छोटी 150 की, बड़ी 250 की। ओके सो दोस्तों ये छोटी ट्रे 150 रुपीज़ की है, 150 रुपीज़ ईच। मेरे हिसाब से रेट बिल्कुल रीजनेबल है, अच्छा रेट है। और ये बड़े वाली ये जो दोस्त ये 250 रुपीज़ की, ये वाली 250 रुपीज़ की काफ़ी बड़ी है एंड रीजनेबल रेट है। एंड ये वाला दोस्त, ये वाली वो भी 150 रुपीज़ है। तो आपको छोटे से लेके बड़े तक आपको सारे पौधों सॉरी गमले आपको मिल जाएंगे, पॉट्स यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े गमले हैं। सो दोस्तों ये है सैनी प्लांट होम की ऑर्गेनिक कंपोस्ट, इन्होंने खुद बनाई हुई है, 1 kg 30 रुपीज़, आइडल है ये वेजिटेबल्स के लिए। ये जो दूसरी है काव डंक मेन्योर है, ये 80 रुपीज़ है, ये 5 किलो का है, ये भी सैनी प्लांट होम की खुद की प्रोडक्शन है। सो दोस्तों ये इफ्को जो कंपनी है उनकी कंपोस्ट है, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला है, फोर्टिफाइड कंपोस्टिंग है इसमें, 5 किलो का है, ये 150 रुपीज़ का है। एंड दोस्तों नीम बेस्ड प्लांट प्रोटेक्शन है ये, तो इसका रेट है 5 किलो, ये भी इसका रेट है 200 रुपीज़। एंड दोस्तों नेक्स्ट है ऑल पर्पज पोटिंग सॉइल है, ये है 250 रुपीज़। सो दोस्तों ये वर्मी कंपोस्ट 100 रुपीज़ की, 5 किलो, किसान भूमि ब्रांड है। सो दोस्तों ये है पॉट मिक्सचर 11 किलो 100 रुपीज़ की, इसमें आपको कोई खाद वाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी एंड खाद का मिक्सचर है इसमें, नीम खली, बाकी सीवीड भी है, वर्मी वॉश है, कोकोपीट, सैंड, वर्मी कंपोस्ट सब का मिक्सचर है ये, आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा 11 किलो। सो दोस्तों सैनी प्लांट होम में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, प्लांट्स हेल्दी हैं, रेट्स रीजनेबल हैं, वैरायटी मतलब अनगिनत वैरायटी है, आपको तुलसी ले लो, आपको मेडिसिनल प्लांट्स ले लो, आप दवाइयां ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज़ का रेट एंड इनके पास में अवेलेबिलिटी है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी आइए, मैं इनकी जो इनके एड्रेस है, इनके जो नंबर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा। सो दोस्तों आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। तो दोस्तों सैनी प्लांट होम में ज़रूर आइए और आप हमारा रेफरेंस दीजिए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।